हाय एवरीवन, जैसा कि चैनल नेम है एजुकेशन एंड कुजीन, तो आज जो है वो कुजीन वाला डे है। आज हम लोग एक कुकिंग वीडियो देखने वाले हैं, तो ये बहुत ही आसान है, कोई भी बहुत इजीली इसको बना सकता है। तो चलिए इस वीडियो को देखते हैं। ये टेस्टी नाश्ता आप भी बना सकते हो और बहुत हेल्दी भी होता है ये नाश्ता। चाहे आप स्टूडेंट हो या अगर आप बिगनर हो, बिल्कुल ये आप बना सकते हो और खुद भी बना करके खा सकते हो। अगर मान लो सपोज करो पढ़ते पढ़ते छोटी छोटी भूख लग गई तो भी बना के खा सकते हो, या फिर आप अपने मम्मी को, अपने पापा को, अपने फैमिली मेम्बर्स को सरप्राइज भी कर सकते हो कि चलो ये मैंने बनाया है। तो ये भी सीखिए और इसको भी बनाइए। तो इसके लिए आपको मूंग दाल को भिगो करके ले लेना है। ये लगभग 6-7 घंटे अगर आप भिगो देंगे या ओवरनाइट भी भिगो देते हैं तो ये बहुत अच्छे से भीग जाता है, राइट। तो इसको भिगो करके ले लेना है। और इसके बाद इसको क्या करना है, इसमें आप इसको ग्राइंड करना है। थोड़ा सा पानी मिलाइए, थोड़ा सा इसमें लहसुन, अदरक और हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मिला करके ग्राइंड करके एक पेस्ट के फॉर्म में आपको तैयार करना है। उसके बाद ये इस तरीके से आपका तैयार हो जाएगा। देखिए इस तरीके से इस पेस्ट के फॉर्म में ये तैयार हो गया। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि हमें सूजी ले लेना है, ये जो सूजी है, और थोड़ा सा इसमें सूजी आप मिला देंगे तो और टेस्टी बनेगा, बहुत मज़ेदार बनता है। तो थोड़ा सा हम लोगों ने इसमें सूजी मिला लिया, और अगर ज़्यादा ड्राई हो जाएगा तो इसमें हम लोग थोड़ा सा पानी भी मिला लेंगे। तो फिलहाल अभी हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ा सा सूजी मिला लिया। इसमें थोड़ा सा जाएगा हल्दी पाउडर, नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दीजिएगा, उसके बाद चिली फ्लेक्स या ओरिगेनो वगैरह भी आप इसमें डाल सकते हैं। अभी मैं ओरिगेनो मिला रही हूँ और चिली फ्लेक्स इसलिए नहीं डाला है क्योंकि जब मैंने इसको ग्राइंड किया था उसी टाइम मैंने ग्रीन चिली ऐड किया था, तो चिली फ्लेक्स की इसमें जरूरत अभी फिलहाल नहीं है। उसके बाद इसको हम लोग मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा मैं पानी मिलाने वाली हूँ और थोड़ा सा पानी मिला करके मैं इसको मिक्स करती हूँ। इसको इसमें सिफ्ट कर देती हूँ ताकि ईजिली इसमें हम लोग और भी कुछ मिक्स करें तो बहुत ईजिली ये मिक्स हो जाए। ये देखिए इस तरीके का आपका जब बैटर जैसा ये तैयार हो जाए तब इसमें आप कुछ वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें थोड़ा सा गाजर ऐड कर रही हूँ, थोड़ा सा अनियन मैंने कट करके रखा है वो ऐड कर रही हूँ, और थोड़ा सा ही पनीर मैंने ग्रेट करके रखा है वो भी ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो भी है मन करे वो ऐड कर सकते हैं। इसमें आप कैप्सिकम ऐड कर सकते हैं, कैबेज भी ऐड कर सकते हैं, कॉर्न, मटर, बहुत सारा कुछ है, जो भी वेजिटेबल आप चाहे ऐड कर सकते हैं। मैंने थोड़ा सिंपल रखा है ताकि बहुत ईजिली बन जाए। जो वेजिटेबल आपको पसंद है आप सब कुछ ऐड कीजिए जो इजीली कुक हो जाए, बहुत ज़्यादा टाइम लगे कुक होने वाला वैसा कुछ इसमें नहीं डालना है। तो हमारा रॉ मटेरियल सारा तैयार हो गया, हमने सारा उसका बैटर और सारा कुछ कर लिया, तो अब उसको चलते हैं और कुक करते हैं। तो पैन ले लिया है और पैन में थोड़ा सा बटर डाल के 1 चम्मच के करीब, बहुत ज़्यादा इसमें ऑयल या बटर नहीं लगता है, आप बटर या ऑयल में बना सकते हैं। और यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, इस बैटर में से थोड़ा सा इसमें ऐड करेंगे हम लोग। बहुत ज्यादा पैन को मैंने गरम नहीं किया है। अब इसको अच्छे से आपको स्प्रेड कर लेना है। जब स्प्रेड हो जाए तो आप ब्राउन ब्रेड या व्हाइट ब्रेड जो भी आपको सही लगे वो ब्रेड आपको यहाँ पे डालना है, और उसके बाद जो साइड्स में है उसको आप ऊपर कर लीजिए। और यहाँ जिस एरिया पे अभी नहीं है और, तो उस पे हम एक पतला सा और लेयर इस पे लगा देंगे इस तरीके से। और इसके बाद इसको क्या करना है, इसको थोड़ी देर के लिए आपको ढक देना है ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए। अच्छे से इसको हम थोड़ी देर के लिए ढक देंगे। एक बार खोल करके हम लोग इसको चेक कर लेते हैं। अब इसको फ्लिप कर देते हैं ऐसे, कितना अच्छा कलर आ गया ना, ठीक है। अब इसको दूसरे साइड से भी कुक होने देंगे
और इस साइड में हमें क्या करना है कि थोड़ा सा इसके ऊपर हम स्प्रिंकल कर देंगे पनीर का। बहुत अच्छा लुक वाइज भी अच्छा लगेगा और खाने में भी बहुत ही मजेदार लगता है। ये हेल्दी और टेस्टी दोनों बनता है। अगर आप दाल भिगोना और इसको पीसना ऐसा झंझट नहीं करना चाहते तो आप ये चीज बेसन से भी बना सकते हैं। और इसके बाद जब ये दूसरे साइड हो जाए तो एक बार हल्का सा हम लोग और इसको फ्लिप करेंगे ताकि ये जो पनीर है वो हल्का हल्का सिक जाए। अब जब ये दोनों साइड से सिक गया तो इसको कट कर लेंगे। और या पिज्जा कटर भी यूज कर सकते हैं, आप बाहर निकाल के भी कट कर सकते हैं। तो आप चटनी के साथ, सॉस के साथ या मेयोनीज के साथ इसको एंजॉय कर सकते हैं। मुझे तंदूरी मेयोनीज के साथ ये बहुत पसंद है तो मैं तंदूरी मेयोनीज के साथ इसको सर्व कर रही हूँ। गर्मा गर्म चाय या कॉफ़ी के साथ इसको एंजॉय कीजिए। ये बहुत ही अच्छा बनता है, बहुत टेस्टी बनता है, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और हेल्दी तो है ही, तो बस इसको बनाइए। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इसको आप सभी के साथ शेयर कर सकते हैं, पढ़ने वाले बच्चों के साथ भी शेयर कर सकते हैं और जो कुकिंग पसंद जिनको है उनके साथ भी आप शेयर कर सकते हैं। तो ये एक यूनिक चैनल है जहाँ पर आपको वीकडेज में स्टडी मिलती है और वीकेंड में रेसिपीज मिलती है। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। हैव अ नाइस डे।